रेलवे लाइंस के बीच में ऐसे गैप क्यों होते हैं और आरआरआर मूवी का नाम आरआरआर ही क्यों रखा गया? एंड फिनलैंड में हर साल 27 जुलाई को सोते हुए लोगों को पानी में क्यों फेंका जाता है? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। नंबर 10। एक सर्वे के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में है। नंबर 9। पूरी दुनिया में नीदरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर भगवान श्री राम के नाम के नोट चलते हैं। नंबर 8। इटली में एक ऐसा मजेदार कानून है जिसके मुताबिक अगर कोई गरीब इंसान भूख के कारण किसी खाने की चीज को चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे क्राइम नहीं माना जाता। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 7। इंसान के शरीर की त्वचा पर 16 परत होती है जबकि होठों पर केवल 5 परत ही होती है, जिस वजह से वो हल्के लाल या गुलाबी रंग के दिखते हैं। नंबर 6। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा में रहने वाले रेमी नाम के इस आदमी ने अपने पूरे शरीर पर टैटू गुंदवाने के लिए लगभग 74 लाख रुपए खर्च कर दिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 5। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार रात में लिया गया निर्णय हमेशा सच होता है, तो कभी भी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। नंबर 4। फिनलैंड में हर साल 27 जुलाई को नेशनल स्लीपी हेड डे मनाया जाता है। इस दिन परिवार के सबसे देर से उठने वाले सदस्य को पानी में फेंक कर उठाया जाता है। नंबर 3। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने राजा मौली को इस बात की सलाह दी थी कि क्यों ना 3 लोगों के नाम रामचरण, रमा राव और राजा मौली के पहले अक्षर को ही फिल्म का टाइटल बना दिया जाए। वही आरआरआर का ये आइडिया बाकी सभी को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए फिल्म का नाम आरआरआर रखा गया। नंबर 2। यदि स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाली औरत असल जिंदगी में होती तो उसका चेहरा ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा फोटो जैसा होता। इस चेहरे को एक कलाकार ने एआई की मदद से बनाया है। नंबर 1। रेलवे लाइंस के बीच में इस तरह के गैप को छोड़ने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल भीषण गर्मी के समय लोहे से बनी पटरियां भारी भरकम ट्रेनों के भार से फैलने लगती है, जबकि सर्दियों में ये सिकुड़ जाती है। लोहे के इस व्यवहार को देखते हुए पटरियों को जोड़ते वक्त एक छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी के समय जब ये पटरियां ट्रेन के वजन से फैलें तो इन्हें फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। यदि पटरियों को फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो उस पर काफी जोर पड़ेगा और ऐसे में वह क्रैक होकर टूट सकती है, जिससे लोगों की जान को काफी खतरा हो सकता है।